Bad news for you. सुन रहा हूँ। रिश्ता आया है मेरा और वो लोग मुझे कल देखने आ रहे हैं माम के बोलने पे। What? और तुमने फर्माबरदार बच्चों की तरह सर झुका दिया? Of course not. ना तो मैंने सर झुकाया है और ना ही ये सर कभी झुकेगा। For God's sake, शजा, बात हाथ से निकल जाएगी तब घर में बताओगी क्या? मौके से फायदा उठाओ और घर में बता दो तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। इतना आसान नहीं है सब कुछ। डैड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कन्विंस करना कौन सा आसान था मेरे लिए? But I did. पर तुम अपने डैड को कन्विंस नहीं कर सकती मेरे लिए। जबकि तुमने बताया था कि तुम्हारे डैड तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालते। Listen, he's always surrounded by people. थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं बात करूंगी। और तुम फिक्र नहीं करो। किसी को नहीं आने दूंगी हमारे बीच में। अच्छा, anyway, get ready. मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। Okay. शिजा बेटे, मुझे तुमसे बात करनी है। जानती हूँ क्या बात करना चाहती हैं आप, लेकिन मैं आपसे कोई बात करने के मूड में नहीं। इतना तो हक है मुझे कि तुम्हें कुछ समझा सक। देखो, तुम समरीन निमरा मेरे लिए हमेशा से बराबर हो। कभी भी फर्क नहीं किया मैंने तीनों में। हमेशा मामता के घेरे में बेखौफ होके पाला है तुम तीनों को। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी दिल में जगह नहीं बना पाए। डैड के दिल में तो बना लेना और इस घर में भी। एक औरत जो खुले आसमान के नीचे रहती थी उसके सर पे छत आ गई, उसके लिए तो यही काफी होना चाहिए था कि नहीं, उसे तो अब इस घर की मालकिन बनना है। अच्छा प्लान है, पहले मैं फिर समरी। निमरा कहाँ है सब में? सब कुछ नहीं बच। देखो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेहमानों के साथ अच्छे तरीके से पेश हो। माँ पे एहसान होगा बेटी। इतना एहसान लीजिएगा जितना आपकी बेटी निम्रा चुका सके। Assalamu alaikum everyone. Please subscribe to AIRY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.